नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल है साथियों? सब ठीक हो? स्वस्थ हो? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जो है वो तो मंदिर का ध्यान रखेंगी। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये वाला हिसाब है सरकार का। मंदिर बनाइए, कौन मना कर रहा है? बनाइए, पूजा करिए, आस्था रखिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन अभी जो हालात है उसमें आपको लगता है कि मंदिर पर इतना ध्यान देने की जरूरत है? ठीक है भाई, देंगे आपको वोट, जानबूझ के मंदिर की आड़ में फिर वोट लेना है आपको। अब तो समझ गई है ना जनता? नहीं, मैं जनता से भी पूछ रही हूं कि अभी तो समझ गए हो ना कि अभी भी कोई और देखना बाकी है, नौटंकियां किसके किसके नाम पर ये चुनाव को भजाएंगे, वोट मांगेंगे। हालात बद से बदतर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का तो हाल आप देख रहे हो ना। छोटा सा पान बेचने वाला बेचारा घुमती में पान बेच रहा है, अपना भरण पोषण कर रहा है। उसके बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। 1 करोड़ कहां से लाएगा वो गरीब इंसान, कैसे लाएगा? और फिर फिरौती ना मिलने पर उसके बच्चे की हत्या कर दी जाती है। कैसा लगता होगा उस मां बाप को? क्या क्या मन्नतें मांगी होगी औलाद के लिए, और फिर ऐसे 2 टके के गुंडे उठा के ले जाते हैं किसी के बच्चे को, किसी की संतान को, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए फिर पैसे की फिरौती मांगी जाती है, और ना मिलने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को मार भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भावना ही नहीं, करुणा नहीं, मन में कुछ नहीं, सब खत्म। प्रशासन क्या करती है फिर? प्रशासन अब क्या कर रही है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश को? मैं हर बार बोलती हूं, हर बार नया कांड सामने आता है, आप देख ही रहे हो। एक आदमी रास्ते पर औरतों को चाकू से मार रहा है, एकदम से लगातार सब चले जा रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फिर औरतों पर जुलम होता है, औरत हॉस्पिटल में भर्ती होती है, फिर पूरा देश मोमबत्ती लेकर आगे आएगा। तो तब मोमबत्ती लेकर आगे आओगे, लेकिन जब जुल्म होता रहता है, जब दिखाई दे रहा है सामने से, तब अपनी कोई बाइक लेके जा रहा है, कोई ऐसे ही चला जा रहा है रास्ते पर, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो आगे कब आओगे? बाद में, जब सब कुछ कांड सब घटना हो जाएगी, उसके बाद मोमबत्ती लेकर आगे आओगे सरकार को घेरने? अभी और देखना कुछ बाकी है? अस्पतालों में पानी भर जा रहा है, कोरोना के पेशेंट उसी पानी में इधर उधर हो रहे हैं, और मंदिर में व्यस्त है, रंग रोगान चल रहे हैं, और पता नहीं कितना खर्चा, इतने खर्चे की एक अस्पताल बना दिए होते तो वो राम खुश होता। वो राम खुश होंगे फिर? मन में इतना सारा मैल पाप लेकर फिर पूजा करेंगे तो मुझे तो डर लग रहा है कि फिर कहीं और कुछ और संकट ना आ जाए। भारत में इतना तो संकट वैसे ही आया हुआ है, कब समझेंगे ये? योगी जी नहीं संभल रहा है आपसे तो ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, यहां तो कोई पुरुषोत्तम राम बन के आया ही नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, आपसे नहीं चल रहे हैं, सीधी बात है, सबको दिख रहा है, तो फिर इस्तीफा दे दीजिए ना महाराज, उतर जाइए, पहले ही कहा जनाजा तो है नहीं, कुर्सी है, क्या हो गया, क्या हो जाएगा? आपका सम्मान मान सम्मान वैसे ही रहेगा, कोई घट नहीं जाएगा,
कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन लोगों की जान तो बच जाएगी। कोई समझदार इंसान कुर्सी पर बैठकर राज्य को चलाएगा, देश को चलाएगा, तो कम से कम जनता की जान बच जाएगी। विकास तो जाने दो, विकास तो अब किसी चीज का होना नहीं है, लेकिन जो है वो जो बर्बाद हो रही है चीजें, वो तो कम से कम बच जाएगी। ठीक, आप भगवा पहने हैं, आपके मन में राम है, आप जाके मंदिर में पूजा कीजिए, आप उसमें परफेक्ट हो। आप नहीं हो राजनीति में परफेक्ट, तो क्यों कर रहे हो राजनीति? भगवा तो वैसे भी इंसान तभी पहनता है ना जब संसार की मोह माया से परे हो जाता है ना। तो आप समझ जाइए ना, आप मैं विनती करती हूं, बस हो गया। कितना कांड हो रहा है यूपी में भैया, कितना कांड हो रहा है, कब समझेगी ये सरकार? एक साथ जब जाएंगे वहां मंदिर में पूजा करने, तब कोरोना नहीं फैलेगा। बाबा जी के पिताजी ऑफ हो गए तो गए नहीं, आप सोचे नहीं कोरोना है नहीं जाऊंगा, और वहां पूजा करने चले जाएंगे आप, फिर कोरोना नहीं फैलेगा। और सबसे ज्यादा तो भाजपा ही नहीं मानते हैं मास्क, सबसे ज्यादा भाजपा ही नहीं पहनते हैं, देह की दूरी तो भाजपा ही नहीं बनाते हैं। तो आप लोग हो ना जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता की बर्बादी का। तो अब तो समझ जाइए। फिर आपको लगता है, देखो काजल निषाद बोलती है, अरे जो भावना मेरे अंदर है भारत के लिए और जनता के लिए, वो आप में तो पहले रहनी चाहिए भाई। आप तो सत्ता में बैठे हो, उस पवित्र कुर्सी पर आप विराजमान हो, तो आपको तो पहले लगना चाहिए। मैं तो आम हूं फिर भी मुझे लग रहा है, आप तो खास हो। तो कब समझोगे, फिर कब समझोगे? मंदिर में आप पूजा करोगे, इतना बड़ा शिलान्यास करके, इतना बड़ा पवित्र काम करोगे, तो आपको लगता है भगवान खुश हो जाएंगे? अरे किसी का दुख दूर करोगे ना, तो सबसे ज्यादा भगवान खुश होंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि भगवान तो यहां रहता है ना मन में, और मन में मैल पाप अंदर से बिल्कुल कपटीपना लेकर आप पूजा करोगे, किसी के तो हुए नहीं हो आप। मां को भी आपने छोड़ दिया, पत्नी को भी आपने छोड़ दिया, जनता को आपने छोड़ दिया, भारत को बर्बाद कर रहे हो, फिर वो मन लेकर आप पूजा करोगे? सबकी भावनाओं को आहत कर रहे हो आप। अरे करो पूजा, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी ये संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए सरकार को, वो तो समझो। और भैया मैं एक और बात बता दूं कि मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की अपार मेहनत से हमारा भाई हमको मिल चुका है, हमारा भाई हमको मिल गया। ऐसा मतलब रास्ते में कहीं जा रहा था तो हम देखे, अरे ऐसा कुछ लग रहा है, एकदम से लगता है हमारा भैया है क्या, तो हम कहे अरे ये तो आसाराम है क्या, तो फिर ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारा भैया झासाराम है, बिल्कुल दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई है एकदम। देखो तो होता है ना, इंसान वैसे भी याददाश्त भूल जाता है, घर से निकल जाता है तो दाढ़ी वाढ़ी बढ़ जाती है, कपड़े मैले हो जाता है, इंसान भूल जाता है सब कुछ, याद शक्ति नहीं रहती। हमारे भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना, याद नहीं उनको पहले क्या बोलते थे, अब देखो किसी को पहचानते नहीं है भारत में, दाढ़ी वाढ़ी भी बढ़ गई। हम उन लोगों को फोन कर दिए हैं जो लोग बेचारे सेवा में जो लगे रहते हैं ना, ऐसे जो रास्ते में भटकते हैं, उनकी दाढ़ी वाढ़ी बढ़ जाती है, शेविंग करवाते हैं, कपड़े नए पहनाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। हम उनको फोन कर दिए, अभी लोग आते होंगे, हमारे झांसाराम भैया की दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई है, सब ठीक कर देंगे भैया को। लेकिन याद वाद कुछ है नहीं भैया, ये क्या बात हो गई? हम कहे कि अरे भैया खाना वाना खिला देते हैं, तो हम रोटी लाए, तो रोटी देख के हमको कह रहा नहीं काजू की रोटी खाएंगे, मशरूम खाएंगे। अरे हमने भैया काजू की रोटी तो नहीं है, लेकिन काजू लेके आइए घर से, रोटी बना के ये खा लीजिए, बताइए गरीबी में कोरोना चल रहा है, कहां इनको काजू की रोटी हम खिलाए, मशरूम तो हम खुद नहीं देखे।
ऐसा बदल गए हमारे भैया। 515 का हम एक अच्छा सा कुर्ता लेके आए, क्या भैया कपड़ा बदल लो कैसे हो गए, तो कह रहे नहीं 10 लाख का सूट पहनूंगा। अरे भैया आप गरीबी में कहां 10 लाख का सूट पहना है आपको। हमारे भैया याददाश्त भूल गए भैया, नहीं हमको मिल तो गए हैं लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। कोनो बात नहीं, हम झाड़ फूक वाले को बुलाए हैं, अभी आएंगे तांत्रिक वांत्रिक। ए खोड़ी अरमानी असीम कृपा, थोड़ा आगड़ करो भाई, रस्तो छोड़ हमने आवश्यक तांत्रिक बाबा। अभी आएंगे तांत्रिक, सब झाड़ फूक करेंगे। हमारे भैया को लगता है चुड़ैल वुड़ैल को धर ली है, वो पापड़ वाली भाभी को दूर रखना भैया से। हाँ हमको लग रहा है चुड़ैल का साया हो गया है भैया, कुछ याद नहीं है पहले क्या बोलते थे, अब देखो एकदम चुप हो गए एकदम भैया हमरे। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम, पहले थोड़े ठीक थे मतलब ऐसा आदमी एकदम नॉर्मल दिख रहा था, अब देखो एकदम अलग है, एकदम शक्ल सूरत सब बदल गई है। लेकिन मिल गए हैं, अब वहां मंदिर में जाएंगे आपको मिलेंगे, वहां दिखेंगे वही है हमारे भैया। पहले कुछ बोलते थे और अब कुछ नहीं बोलते हैं, ये है हमारे भैया। ठीक, पूजा करेंगे, बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अभी भी कह रहे कि ठीक है भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे क्या बताए मौसी, आदमी बेचारा पगला जाता है, इतना धन दौलत देख लेता है, हाँ क्या बताए मौसी, हो जाता है आदमी को लालच। पहले ठीक से देखो, चाय बेचकर कपड़े नहीं मिलते थे मौसी, लेकिन अब देखो 10 लाख का सूट पहनते हैं तो हो जाता है आदमी को थोड़ा घमंड। क्यों NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।